हेलो इग्नो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट न्यूज़, एक तो इग्नो में एडमिशन को लेकर के, दूसरा इग्नो में रजिस्ट्रेशन को लेकर के। इन सब बातों पे डिटेल में चर्चा करें उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि इग्नो से संबंधित जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट होंगे वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं आगे। पहली खबर बात करते हैं ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन की। तो इग्नो में जैसा कि आपको पता है कि जैसा एक एडमिशन का प्रोसेस होता है, कुछ उसी प्रकार का आपका री रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने जनवरी 2022 में अपना एडमिशन लिया था, तो जनवरी 2023 में आप री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं अगर आपका ईयरली बेस्ड कोर्स है, या अगर आप 6 मंथ का सेमेस्टर वाइज कोर्स है आपका, तो भी आप एलिजिबल हैं अगर आपने जून 2022 में एडमिशन लिया था या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया था, और नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए आपको पुनः री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक तरह से ये नेक्स्ट ईयर में जाने का एडमिशन प्रोसेस है। अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वह आपका 10 तारीख तक रखा गया है। तो चलिए इस पर अगर डिटेल में बात करें तो देखते हैं कि इग्नो की तरफ से इसके लिए क्या अपडेट शो हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन अप्लाई नाउ का ऑप्शन इग्नो के ऑफिशियल वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे ही दिखता है। तो चलिए इसे देख लेते हैं कि इसमें डिटेल में क्या इसके अंदर न्यूज इग्नो दे रहा है, क्या अपडेट दे रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं लास्ट डेट 10 फरवरी 2023, लास्ट डेट जो है री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2023 सेशन के लिए 10 फरवरी रखा गया है, जो कि लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उससे पहले ही अपने री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें, ताकि आपका सेमेस्टर, आपका ईयरली कोर्स जो है, आपका सेशन लेट ना हो। वरना आपको क्या होगा, फिर 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा और ये 6 महीने आपके खराब हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। इग्नो में जो एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है जनवरी 2023 सेशन के लिए, तो ऐसे स्टूडेंट जो किसी कारण से अपना पढ़ाई बीच में रोक चुके थे या कोई भी अन्य समस्याएं थी, उन्हें पुनः अपना पढ़ाई जारी रखना है, इग्नो में एडमिशन लेकर के वे अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एज का कोई बाउंडेशन, कोई भी लिमिट नहीं है कि आप इतने, आपकी इतनी उम्र इतनी होनी चाहिए तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ पूरा एज को लेकर के आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। आप कितने भी एज के हों, अपनी पढ़ाई कभी भी आप आरंभ कर सकते हैं। अगर हम एडमिशन की बात करें तो ऑनलाइन एडमिशन का भी यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन फर्स्ट पेज पे ही आपको मिल जाता है। और इसमें अगर हम डिटेल की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं एडमिशन लिंक फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम ओडीएल एंड मेरिट बेस्ड ओडीएल प्रोग्राम फॉर जनवरी 2023 सेशन, डेट जो है एक्सटेंड किया गया है 10 फरवरी 2023 के लिए। 10 फरवरी 2023 तक के लिए डेट एक्सटेंड किया गया है। तो 10 तारीख तक अपने एडमिशन फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सारे वीडियो का, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो वीडियो देख सकते हैं और वहां देख के अपने एडमिशन फॉर्म को आप सही सही फिलअप कर सकते हैं, ताकि आपका एडमिशन जल्द से जल्द कन्फर्म हो जाए, ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े एडमिशन को लेकर के। पूरी डिटेल आपको वीडियो में बताई गई है। तो ये दो खबर थी, एक तो री रजिस्ट्रेशन, दूसरा एडमिशन, दोनों का लास्ट डेट 10 फरवरी रखा गया है। उससे पहले जाकर के जो भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं या जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं वे जाके इसे पूरा कर सकते हैं और अपने समय को नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो चलिए ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, अपडेट के साथ लगातार मिलते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।